आज का वचन जो मैंने परमेश्वर ने मुझे दिया है अय्यूब के ऊपर, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का भय क्या होता है, परमेश्वर का भय, और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए, और अय्यूब खड़ा क्यों था, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके साथ था। पढ़िए बेटा अय्यूब की किताब, एक वचन, एक अध्याय लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5 हम पढ़ेंगे। ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिएगा, आज का वचन बहुत मूल्यवान है। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है मेरे भाई, तो हमारे अंदर निर्दोषता नहीं है, हमारे अंदर खरापन नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर की कृपा नहीं है, हम उस अनुग्रह को जान ही नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की किताब का पहला अध्याय, पहला वचन, पहला, दूसरा, तीसरा, पढ़िए बेटा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। चार चीजें थी उसके पास, वो खरा था, निर्दोष था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। लेकिन ये चारों चीजें कब होती हैं उसके पास, कब थी? जब उसके अंदर परमेश्वर का भय था। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा ना मेरे भाई, आप इस शरीर को, इस शरीर की आजमाइशों से बच नहीं सकते। आगे बढ़िए बेटा। उसके सात बेटे और 3 बेटियां थी। जल्दी जल्दी उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्वी देश में वह सबसे बड़ा था। हेलो अय्यूब, अब आप ध्यान दीजिए, इस वचन को समझने की कोशिश करिए कि उसके पास क्या था। और पूरब देश में बाइबल बताती है वो सबसे बड़ा अमीर इंसान था। उस समय जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे उसे अमीर कहा जाता था। इसलिए आप देखिए कि 3,000 ऊंट जो बताए जा रहे हैं कितना उसके पास था, यानी कि पूरब देश में सबसे बड़ा था। आगे बेटा जल्दी पढ़िए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। उसके 7 बेटे थे और बेटे बेटियां एक दूसरे के घर खाने के लिए जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। खाना कोई बुरी बात नहीं है, किसी घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अय्यूब का डर, परमेश्वर का भय जो अय्यूब के अंदर था। आगे बेटा। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हाँ, आमीन। जब जब जेवनान के दिन पूरे हो जाते, यानी कि वो लोग आना जाना, जब किसी घर जाते थे, खाते थे, आते थे, जाते थे, ये दिन पूरे हो जाते थे, तो अय्यूब क्या करता था? प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बच्चों को बुलाकर उनको पवित्र करता था और उनके लिए होम बलि चढ़ाता था, बलिदान करता था कि कहीं मेरे बच्चों से कोई पाप तो नहीं हुआ, कहीं मेरे बच्चों के मुख से कुछ गलत बात तो नहीं निकली, कहीं मेरे बच्चों ने कुछ गलत बात तो नहीं सुन ली। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या था? परमेश्वर का भय कि कोई ऐसी बात मेरे साथ ना हो जाए जो परमेश्वर नहीं चाहता है, कहीं कोई मैंने ऐसी बात तो नहीं की जो परमेश्वर के विरुद्ध है, कहीं कोई ऐसी बात तो मैंने नहीं सुनी जो परमेश्वर के विरुद्ध है, कहीं कोई ऐसी बात तो मेरे मुख से नहीं निकली जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए वो बारी बारी करके उनको बुलाता था। ये नहीं पूछता था, बच्चों तुम लोग कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसा लगा खाना, अच्छा लगा खाना। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। नो, उनकी पवित्रता के लिए वो ज्यादा उत्सुक था कि मेरा बच्चा पवित्र है कि नहीं है, मेरा बच्चा मन से, आत्मा से पवित्र है कि नहीं है, कहीं ज्यादा ऐशो आराम इसे अपवित्र तो नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं ज्यादा चीजें आपको अपवित्र तो नहीं कर रही हैं? परमेश्वर का भय उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय। भजन संहिता 34:7,
परमेश्वर का भय ही आपको आशीष दिलवाता है। उसको कौन खरा बना रहा था? परमेश्वर का भय। उसको कौन निर्दोष बना रहा था? परमेश्वर का भय। उसको कौन बुराई से दूर रख रहा था? परमेश्वर का भय। भजन संहिता 34 का 7 पढ़िए। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, जो यहोवा से डरते हैं, बोलिए मैं यहोवा से डरता हूँ। मैं यहोवा से डरता हूँ। जोर से बोलिए मैं यहोवा से डरता हूँ। मैं यहोवा से डरता हूँ। वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हेलो, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर का दूत आपके चारों तरफ सुरक्षा की छावनी डालता है, बाड़ा डालता है, और वो आपको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपका डर, सिर्फ आपका डर, जो यहोवा से डरकर काम करते हैं। आप नहीं मांगते छावनी को, आप नहीं मांगते सुरक्षा को, आप तो डर रहे हैं। आप सिर्फ परमेश्वर के मुताबिक काम कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के मुताबिक है। प्रेज द लॉर्ड। इसी का अय्यूब पर दोबारा हम आते हैं। 9 और 10 पढ़िए बेटा, 1 का 9 और 10 पढ़िए। देखिए, जब यहां पर परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है और शैतान वहां पर पहुंचता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। हाँ, शैतान पहुंचता, एक मिनट, शैतान पहुंचता परमेश्वर के पास। धरती पर एक ही पुरुष है खरा, और वो है अय्यूब। तू जानता है उसके बारे में? तूने उसके बारे में देखा कितना खरा मनुष्य है? तो शैतान क्या जवाब देता है, पूछिए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? पढ़िए आगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसकी, ध्यान से समझिए, हेलो, ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या हमने पढ़ा है अय्यूब ने बाड़ा बांधने के लिए प्रार्थना की थी? क्या आपने कहीं पढ़ा कि अय्यूब प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरे चारों तरफ, मेरे बच्चों के चारों तरफ, मेरे जो जानवर है उनके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधो? ऐसा उसने कहा कहीं? वो सिर्फ डरा कि नहीं, मुझे परमेश्वर के योग्य बनना है, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए शैतान क्या कहता है, यानी कि क्या ये वचन बताता है कि शैतान जानता है, हेलो, शैतान जानता है कि आपके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा है कि नहीं है। परमेश्वर का बाड़ा आपके ऊपर कब आता है? जब आप परमेश्वर से डरते हैं। आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, आप कितने उपवास रख लें, आप कितने भी दान दशांश दे लें, लेकिन अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का बाड़ा नहीं आएगा, आप वो आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहता है, शैतान क्या कह रहा है, क्या तूने उसकी, अब देखिए तीन चीजों, उसकी, उसके घर की और जो कुछ उसका है, यानी कि सब चीजों पर मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर, मेरे कलीसिया पर, हर तरफ परमेश्वर का बाड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे बच्चों पर, मेरे काम पर, मेरे घर पर परमेश्वर का बाड़ा है। आमीन। और ये बाड़ा क्यों है? ये कब होगा बाड़ा? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। अगर आपने परमेश्वर का भय नहीं माना मेरे भाई मेरी बहन, तो वो बाड़ा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए वो कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। सिर्फ बाड़ा ही नहीं बांधा, उसके कामों पर आशीष दिया है तूने। हमारे कामों पर आशीष कब मिलता है?
हम देखते हैं कि आप किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो आपसे कम मेहनत करता है, होता है कि नहीं होता है? आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो आपसे कम मेहनत करते हैं, कम काम करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस चल रहा है, होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? उसका आशीष, ये क्या है? उसकी बरकत। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान क्या कह रहा है कि क्या तूने उसकी ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसकी ओर, उसके बच्चों की ओर, उसके काम पर बाड़ा नहीं बांधा? और सिर्फ यही नहीं, क्या तूने उसको आशीष नहीं दी है ताकि उसकी जो संपत्ति है पूरे देश में फैल गई है? हेलो, एक चीज जो अय्यूब जानता था, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। अय्यूब ये नहीं चिंतित था कि मेरे बच्चे किस गाड़ी से जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे वहां पर जाकर क्या पहन रहे हैं मेरे बच्चे, नो, मेरा बच्चा पवित्र है कि नहीं है, मेरी बेटी पवित्र है कि नहीं है, मैं पवित्र हूं कि नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो परमेश्वर के लिए गलत है, नहीं, मुझे अपने धंधे पर भी ऐसा कोई काम नहीं करना है, मुझे कोई बिजनेस में भी ऐसा काम नहीं करना है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। परमेश्वर का भय मेरी शक्ति है, परमेश्वर का भय मेरा आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 19 का 12 पढ़िए, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। भजन संहिता 19 का 12 जल्दी निकालिए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ध्यान दीजिए, हम काम करते हैं, हम सुबह शाम तक हम घर से निकलते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने रिलेशन से बात करते हैं, आपके मुंह से कब गलत निकलता है आपको पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता कि आपके मुंह से कब गलत निकल गया, आपने कब गलत बोल दिया। हो सकता है गुस्से में आकर आपके मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए, गाली निकल गए, आपको नहीं पता, इंसान है आप। हालेलुया। तो यहां पर क्या बोलता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्रेज द लॉर्ड। आपकी भूल चूक आपके द्वारा ऐसे पाप करवा देती है जिसे आप समझ ही नहीं पाते। हेलो, आप जिसे समझ नहीं पाते। हो सकता है आपने किसी बहन को सच बोला और आपके सच बोलने से उस बहन को दुख हुआ, आपने किसी को दुखी किया, ये पाप है। हेलो, आपने किसी को दुखी किया, ये पाप है। वचन क्या बोलता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कौन है? हम लोग इतने बुद्धिमान नहीं है, इसलिए हमें अपने मुख से वो बातें निकालनी हैं जो जो किसी की प्रशंसा के लिए हो, जो किसी के लिए उन्नति के लिए हो। हमें वो बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी है, इसलिए वो कहता है कि अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मेरे मुझे पवित्र कर। मेरी भूल चूक की वजह से जो मुझसे पाप होते हैं और जिन्हें मैं नहीं समझता हूं पाप है, कई बार आपसे शैतान पाप करवा लेता है लेकिन आप नहीं समझ रहे कि आपने पाप किया है। आप अपनी चिंताओं में, आप अपनी जरूरतों में इस कदर से खोए हुए हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए, अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए, अपने संकट को दूर करने के लिए इस कदर आप खोए हुए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने किसी का दिल दुखा दिया है, किसी को धोखा दे दिया है, किसी के साथ मैंने स्वार्थ किया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर विपत्ति आई हुई है, आजमाइशें आई हुई हैं, परीक्षाओं में आप हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इस कदर आप। इसीलिए प्रभु कहता है मत डर, अपने परीक्षाओं में मत डर, क्योंकि जब तू डरेगा तो पाप करेगा। जब तू डरेगा तो आप, शैतान आपको अपनी परीक्षाओं में इस कदर आपको डरा देता है, आपको फंसा देता है कि आप कहते हैं कि बस मेरी जिंदगी गई, अब मैं कैसे निकलूंगा यहां से, अब कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वचन क्या कहता है, इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमारे जीवन में कब पूरा होगा, जब हम उसके बन के रहेंगे, जब हम उसके भय में जीवन को गुजारेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम भय के साथ अपने जीवन को बताएंगे। पौलुस जो था भय के साथ वचनों को बांटता था। 1 Corinthians 2:3-4 पढ़िए, 1 Corinthians 2:3-4, पौलुस भय के संग उन वचनों को बांटता था, किसी को सुसमाचार भी सुनाता था ना तो भय के साथ, किसी को बताता था कि मुझे प्रकाशन मिला है भय के साथ। पौलुस भय के साथ थरथराता हुआ, देखिए पढ़िए कितना लिखा हुआ है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। वो कुरिन्थियों की पत्री को कह रहा है, कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा है कि मैं जब था तुम्हें सुसमाचार सुना रहा था तो मैं निर्बल था। मैं ये नहीं था कि अरे मैं स्वर्ग तक जा चुका हूं, मैं पौलुस हूं, मैं यीशु के दर्शन कर चुका हूं। नो, मेरे अंदर जब मैं सुसमाचार सुना रहा था तो मेरे अंदर निर्बलता थी, मेरे अंदर भय था, मैं थरथरा रहा था कि कहीं कोई बात मुझसे गलत ना निकल जाए, कहीं कोई परमेश्वर का वचन मैं गलत ना बोल दूं। हेलो, हमें परमेश्वर का सुसमाचार देते हुए ये ध्यान देना है कि हमारे सुसमाचार से परमेश्वर की महिमा हो, ये ना कि मेरी महिमा हो। तो बाइबल में क्या कहता है कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। चौथा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। Lord, हमें अपना सार्वजनिक जीवन कैसे जीना है, हमें रोजमर्रा का जीवन कैसे जीना है। हम कहीं काम करते हैं परमेश्वर के भय के साथ, निर्बलता के साथ, कहीं हमसे कोई ऐसी बात ना निकल जाए, कहीं कोई हम ऐसी बात ना कर बैठे। परमेश्वर का भय हमारा खजाना है, परमेश्वर का भय ही हमें जिंदगी में आशीष देता है। अय्यूब के पास क्या था, शैतान क्या बोल रहा है, कह रहे परमेश्वर तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है, तूने उसे आशीषें दी हुई हैं, पूरे देश में वो सबसे बड़ा आदमी है। क्या हमें, आपको लगता है कि अय्यूब ने ऐसा मांगा? अय्यूब ने तो सिर्फ ये चाहा कि मेरे बच्चे और मैं पवित्र रहूं, कोई भी ऐसा काम मेरे मन से ना निकले जो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, हमारी बरकत होती रहेगी, हमें आशीषें मिलती रहेंगी, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, हमें हर काम परमेश्वर के भय के अनुसार करना है। कहीं आप धंधा कर रहे हैं और आप कोई 5 रुपए की चीज बेच रहे हैं, जरूर बेचिए, जरूर बेचिए। आपको उसमें 1 रुपया मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो 5 रुपए की चीज आप बेचें तो आपके मन में एक तो परमेश्वर का भय होना चाहिए और धन्यवाद होना चाहिए, और सामने वाले के लिए आप प्रार्थना करें। आप जो चीज दे रहे हैं, आप देखिए आपको आशीष कितना मिलेगा, कितना आपको आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो वैसे ही महंगाई बहुत है, तेल बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सब कुछ बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, महंगा हो गया है, सामान महंगा हो गया है। लेकिन मैं मार्केट में देखता हूं कई लोग इस महंगाई का, महंगेपन का फायदा उठाते हैं। अगर उनकी चीज पर असर नहीं हो रहा है तभी वो महंगा कर देंगे कि साहब पेट्रोल नहीं आ रहा है। अरे पेट्रोल से तुम्हारा धंधे का क्या काम,
लेकिन फायदा उठाते हैं लोग कि दूसरे महंगा कर रहे हैं तो मैं भी महंगा करूं। नहीं, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना है हमें। हमें अपने फायदे के लिए किसी को मजबूर नहीं बनाना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस जो था वो थरथरा हुआ आता था, इसलिए वो कहता है, शैतान कहता है कि तूने बाड़ा बांधा हुआ है। जब परमेश्वर हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधता है ना मेरे भाई, तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए तो शैतान ने कहा कि परमेश्वर तूने बाड़ा बांधा हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अय्यूब का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आशीष का बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा आपका उसके चारों तरफ है, मैं कुछ उसका कर ही नहीं सकता। वो क्यों बढ़ता गया, अय्यूब क्यों बढ़ता गया, अय्यूब क्यों दिन पर दिन रोज बढ़ता गया, क्योंकि उसका बाड़ा मजबूत था, परमेश्वर का बाड़ा उसके चारों तरफ था। आज के लोग, मसीह लोग क्यों घटते जाते हैं, क्यों घटते जाते हैं? आप मसीह में हैं फिर भी आप कमजोर हो रहे हैं, आप मसीह में हो रहे हैं फिर भी आप कर्जदार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भय के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा नहीं है, इसलिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन बिताएंगे, आप विश्वास करिए, वचन कहता है उसकी सुरक्षा का बाड़ा आपके और आपके बच्चों के ऊपर, आपके काम के ऊपर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा। और आप दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन आप बढ़ते जाएंगे, आपको आशीष मिलता जाएगा, बरकत का आशीष आपके जीवन में होगा। परमेश्वर का भय, संसार को नहीं परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि अगर आप उसके अनुसार चलेंगे तो आशीष पाएंगे। मैं आपको बताऊं, भजन संहिता 34 का 19 और 20, भजन संहिता 34 का 19 और 20। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। आमीन। धर्मी, अब देखिए आप कौन है, बोलिए मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी, जोर से बोलिए मैं धर्मी हूँ, धर्मी हूँ। पढ़िए बेटा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती, धर्मी तो पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उनको हर दुविधा से, हर चिंता से मुक्त करता है, विपत्ति से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहां पर लिखा है विपत्ति से, विपत्ति कम नहीं करता। हेलो, यहोवा आपकी विपत्ति कम नहीं करता, मुक्त करता है आपको विपत्ति से, छुड़ालता है आपको विपत्ति से। लेकिन धर्मी वो इंसान है जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारता है। आगे बेटा, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए इस वचन को। आप समझते हैं कि साहब मेरे धंधे का क्या होगा, आप समझते हैं कि मेरे नौकरी का क्या होगा, आज मैंने धंधा नहीं किया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे आप सोचते हैं, और कलीसिया नहीं आते हैं। वो क्या कह रहा है कि वो उस धर्मी की हड्डी की रक्षा करता है, वो धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हेलो, आप अपने जीवन के लिए कि आज मैं क्या खाऊंगा सोचेंगे, कि आज मेरा बच्चा क्या खाएगा आप सोचते हैं, मेरा परिवार क्या खाएगा आप ये सोचते हैं, वो आपकी हड्डी की भी चिंता करता है, एक एक नस की चिंता करता है जो आपके शरीर में है, एक एक नस की। आप तो सिर्फ तीन दिन के, आप तो सिर्फ तीन वक्त के खाने की बात करते हैं ना, सुबह मैंने नाश्ता किया, दोपहर क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा, इसकी ना तीन वक्त की रोटी की आप बात करते हैं ना। परमेश्वर उस धर्मी की, जो उसका धर्मी है, जो उसके भय में अपने जीवन को गुजारता है,
उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और टूटने नहीं देता, कमजोर नहीं होने देता। आपकी हड्डी कमजोर नहीं होगी, आप परमेश्वर के भय के अनुसार चलिए। अगर आप परमेश्वर के धर्मी हैं, आपकी हड्डी कमजोर नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक घंटा पहले मेरी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। परमेश्वर सिर्फ ये देखना चाहता है कि तू उसको मन से कितना प्यार करता है, तेरी इच्छा क्या है, तेरा जीवन में मकसद क्या है। मेरे जीवन में मेरा मकसद मेरा शरीर है, मेरा सुख है, या मेरा यीशु है? आमीन। जिस दिन आपने अपना मकसद यीशु बना लिया, जिस दिन आपका लक्ष्य यीशु बन गया, मेरे भाई परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। उसकी आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हम बस वो काम करें जो उसके अनुसार हो, हम कोई ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के अनुसार ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहता है कि दिन में देखिए, भजन संहिता 119 का 164 पढ़िए। भजन संहिता 119 का 164 जल्दी पढ़िए, और उसके बाद यिर्मयाह 29 का 11 निकालिए। तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण, जो नियम तूने बनाए हैं वो धर्मय हैं, जो तेरे नियम हैं वो आशीषित हैं। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूछिए अपने आप से, कितनी बार करते हैं आप स्तुति? पूछिए। सुबह उठकर कर लिया बस हो गया? आपको पता है स्तुति की शक्ति क्या होती है, आराधना की शक्ति क्या होती है? आपको पता है जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप घर में उसको प्रशंसा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके जितने भी नकारात्मक चीजें आपके आसपास है ना, वो सब दूर हो जाती हैं, सब दूर हो जाती है। आपके गलत विचार आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी परीक्षाएं आपसे दूर हो जाती हैं, आपकी कमजोरियां आपकी बीमारियां निकल जाती हैं। वो धर्म में नियमों के अनुसार कि आपके तेरे धर्म में नियम इतने अच्छे हैं कि मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हमें मौका मिले उसका धन्यवाद देकर स्तुति गाइए, कहीं भी बैठे हो उसको उसकी आराधना करिए, उसको बताइए कि तू कितना भला है और तेरी भलाई कितनी है, सदा की है। उसको बताइए, चाहे आप अकेले में बैठे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, चाहे आप धंधे पर बैठे हो, कहीं भी हो, 4 जने सुने आपके मुंह से उसकी स्तुति, उसकी आराधना। कभी कभी आप अकेले में होते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, फिल्मी गीत नहीं, प्रभु की स्तुति करिए। तू कितना अच्छा है यीशु, तू कितना भला है यीशु, तेरी भलाई सदा की है। स्तुति करिए। जब आप जा रहे हैं काम पर उसकी स्तुति करिए, निकलने से पहले, पहुंचने के बाद, जाने से पहले उसकी स्तुति करिए, आराधना करिए, क्योंकि उसकी भलाई सदा की है। यिर्मयाह 29 का 11 का कहता है, उसकी भलाई सदा की है, सदा की है। उसने कोई भी एक भी योजना आपके लिए हानि की नहीं बनाई है, एक भी योजना उसकी आपके हानि के लिए नहीं है।
यिर्मयाह 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कह रहा है कि तेरे लिए जो मैंने योजनाएं बनाई हैं उसमें से एक भी योजना हानि की नहीं है, लाभ की है। लाभ तेरे जीवन में, लाभ तेरी योजनाएं लाभ की हैं, कि तेरा जीवन कुशलता से चले और तेरी आशा पूरी हो, जो जो तू सोचता है वो हो जाए। सोचिए मेरे भाई, हमारा परमेश्वर कितना भला है। इसलिए हमें कभी भी हमें विचारने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास काम नहीं है ना, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप बीमार हैं, धन्यवाद दीजिए। एक समय था जब आप घर में दाल भी बनाते थे, रोटी भी बनाते थे, चिकन भी बनाते थे, मटन भी बनाते थे, लेकिन आज सिर्फ आपके बच्चे दाल से खाना खा रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज मैं दाल से अद्भुत आशीषित रोटी खा रहा हूं, धन्यवाद दीजिए। मेरे भाई, जिस दिन आपने ये रूटीन कर दी ना, जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने महसूस करना शुरू कर दिया, उस दाल में आपको मटन और चिकन का स्वाद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दानियल को राजमहल में बंदी बना के रखा गया और दानियल के पास था राजा का खाना, दाखरस, कम से कम 36 तरीके के भोजन थे, लेकिन वो मूर्ति को चढ़ाए हुए थे। उसने कहा नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा खाना, मुझे साग पात चाहिए। सेनापति ने कहा तुम्हारी शक्ल उतर जाएगी, तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं रहेगी, तुम्हें मैं राजा के सामने प्रकट नहीं कर पाऊंगा। कहता 10 दिन का समय दीजिए, आप अपने लोगों को खिलाइए खूब अच्छा अच्छा खाना, मुझे साग पात दीजिए, देखिए मैं उनसे हष्ट पुष्ट रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मटन और चिकन में ताकत नहीं है, ताकत है यीशु के नाम में। जब आप खाना बनाए ना, तो देखिए कि आपके खाने को आशीष प्रभु करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप खाना बनाए तो प्रार्थना करिए कि धन्यवाद कि आज मैं रोटी बना रही हूं, धन्यवाद आज मैं ये सब्जी बना रही हूं। प्रभु दया करिए, दया करिए परमेश्वर, इस खाने पर अपना आशीष डालिए और किसी ना किसी ऐसे भाई बहनों को भेजिए जिनके पास खाना नहीं है, ताकि मैं उनमें से इस खाने में से उसको भी खिलाऊं। ऐसी बरकत है इस खाने पर परमेश्वर, कि मेरे घर में कोई ऐसा भाई ऐसी बहन आए कि इस खाने में से मैं उसको भी खिलाऊं। आप देखिए आपके खाने में अद्भुत आशीष होगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे जिस नियत से बोगे उस नियत से ही काटोगे। एक मुट्ठी दाल है, देने का विचार करो कि मेरी एक मुट्ठी दाल में भी प्रभु किसी ऐसे भाई बहन का पेट भरे जिसको जरूरत है। वो मुट्ठी दाल जो तुम्हारी खत्म नहीं होगी मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं। कोई भी तुम्हारे घर में आए, चाहे चर्च का आए, चाहे कुछ, कोशिश करो कि मैं इसको क्या दे सकता हूं, मेरे घर से कुछ खा के जाए, कोशिश करो, चाय पी जाओ, बिस्किट खा लो, कोशिश करो कि कुछ दे के मैं भेजूं। मेरे घर में आया है कोई, मेरे घर में प्रभु का बंदा आया है, प्रभु की दासी आई है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, मेरे घर में कोई आया है और उसने प्रभु का नाम लिया है, मैं कुछ दूं, कुछ लेके जाए मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा पास्टर, जो भी है,
मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे गलत मत समझिएगा कि आपके घर में मैं आऊं तो मुझे नो no! किसी को भी एक आदत बनाइए कि नहीं, मेरे घर में प्रभु का बंदा आया है, प्रभु का नाम मेरे घर में गूंजा इस भाई बहन के द्वारा। कुछ तो खाइए, एक बिस्किट खाइए, एक रोटी खा लीजिए, एक चाय पीजिए और दिल से अब देखिए आपके जीवन में बरकत का आशीष, कभी ना खत्म होने वाला आशीष आपके भंडार पर होगा परमेश्वर का। मेरे भाई, हम उस नियम को समझ लें जो परमेश्वर का है। कलीसिया नियम बताता है हमें कैसे चलना है। परमेश्वर, ये बाइबल आपको बताती है नियम। कलीसिया सिर्फ चंगाई पाने के लिए नहीं है, इस नियम को कि हमें जीवन को कैसे जीना है ये जानने के लिए कलीसिया आया है। कलीसिया में आना पड़ता है और आना चाहिए, ताकि इस संसार में रहते हुए हम वचनों के साथ जी सकें और परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आमीन। अपने अंदर परमेश्वर का भय रखिए मेरी बहन। कोई भी काम करने से पहले हमें कोई भी काम परमेश्वर के भय में करना है। कोई भी काम, कहीं हम किसी का दिल ना दुखाएं, कहीं हमारे काम करने में स्वार्थ ना हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा हो, सुरक्षा का बाड़ा हो, बरकत का बाड़ा हो, आशीषों का बाड़ा हो, तो बस परमेश्वर के भय में जीवन को गुजारिए। और जो काम आपको मिला है एज ए अगवे या कलीसिया में, उसको धन्यवाद देकर स्वीकार करके दिल से करिए, बेदिली से मत करिए। कभी भी परमेश्वर का काम बोझ से मत करिए, नहीं यार मुझे करना पड़ रहा है, नो कभी भी मत निकालिए। आप नहीं जानते हैं, ये परमेश्वर कृपा कर रहा है आप पर और आप उससे दूर जा रहे हैं, नो धन्यवाद। कैसी भी स्थिति हो, बीमार हो, कुछ हो, वचन सुनाने का मौका मिल रहा है, स्तुति आराधना करने का मौका मिल रहा है, बीमार है करिए, धन्यवाद करिए। आप देखिए आशीषों की बारिश आपके जीवन में होगी। Praise the Lord. आज का वचन आपको अच्छा लगा? Yes. Praise the Lord.